तो लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तुकागम संधि। तुकागम संधि, दोस्तों सबसे पहले हम इस संधि को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेंगे, इसके बाद कोई भी एग्जाम्पल हम करें। देखिए, ऋष्व स्वर या दीर्घ स्वर, धन छ, ये इधर प्रथम पद का अंतिम अक्षर, रिस्वर का मतलब छोटा स्वर हो या बड़ा स्वर, और जो अंतिम पद है उसका प्रथम अक्षर छह हो, तो यहां बीच में छह का आगम हो जाता है, छह का आगम हो जाता है। अब लघु स्वर कौन से होते हैं? रिस्व स्वर ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो इनमें से कोई सा भी आ जाए, कहां, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अनु, धन, छेद, धन को प्लस भी बोलते हैं, तो अनु प्लस छेद। तो यहां पर देखिए ऋष्व स्वर आया है, कौन सा, उ, उ, और इधर छ है, तो क्या करेंगे हम, यहां बीच में छ का आगम हो जाएगा, छ का आगम हो जाएगा, तो लिखेंगे अनुच्छेद, अनुच्छेद। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे परी, धन, छेद, परिच्छेद। अब रे में छोटी की मात्रा है, कौन सी है, छोटी की मात्रा है। इसकी मात्रा कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से शब्द में, जैसे रे है, रे, धन ई, तो क्या होगा, री, जिस प्रकार से री हुआ परी। तो इधर ऋष्व स्वर है और इधर छह है, तो बीच में छह का आगम हो जाएगा, लिखेंगे परिच्छेद, परिच्छेद। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तरु प्लस छाया, तरु ये रे है, धन उ, तो क्या बना, रु बना, तो रु बना, रे धन उ से रु बना तरु। तो देखिए ऋष्व स्वर है उ और इधर छह है, तो इनके बीच में छह का आगम हो जाएगा, लिखेंगे तरु छाया, तरु छाया, लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं लक्ष्मी छाया, मैमे दीर्घ स्वर है, देखिए वही रूल है अपना, प्लस से पहले दीर्घ स्वर या ऋष्व स्वर, छोटा स्वर या बड़ा स्वर हो, और प्लस के बाद में छह हो, तो बीच में छह का आगम हो जाता है। ये दीर्घ स्वर है, तो यहां पर छह का आगम हो जाएगा, लिखेंगे लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, लिखेंगे। नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, लीला छत्रम, लीला छत्रम, तो आ, ये दीर्घ स्वर है, छह आ गया, बीच में छह का आगम हो जाएगा, तो लिखेंगे लीला, लीला छत्रम, इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट, जैसे आच्छादनम, आच्छादयति, आच्छादयन्ति, कुछ भी, आधन छादयति,
यहां पर छह है, यहां पर दीर्घ स्वर है, बीच में छह का आगम हो जाएगा इस रूल के अनुसार, क्योंकि प्लस से पहले चाहे ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, और प्लस के बाद में छह होता है तो बीच में छह का आगम हो जाता है। तो लिखेंगे आच्छादयति, आच्छादयति लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शीतला छाया, शीतला छाया, यहां पर रूल के अकॉर्डिंग छह और इधर दीर्घ स्वर है आ, तो बीच में छह का आगम हो जाएगा। लिखेंगे शीतला छाया, शीतला छाया। इस प्रकार से हम तुकागम संधि सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट संधि है अनुस्वार संधि। मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार संधि। तो सबसे स्पष्ट हो रहा है कि मैं के स्थान पर अनुस्वार, कैसे देखिए ध्यान से, मैं इसके बाद में यदि कोई भी व्यंजन आता है, कोई भी व्यंजन आता है तो इस मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे ग्रामम गच्छति, यहां पर कर्ता भी लिख दिया, देखिए ग्रामम गच्छति, तो इन दो के बीच में संधि करेंगे, यहां लगाया प्लस, चलो ये हटा देते प्लस। तो देखिए मैं है, मैं के बाद में व्यंजन है गए, तो इस मैं के स्थान पर हम करेंगे अनुस्वार, कहां इस प्रकार से ग्रामम, इस प्रकार से अनुस्वार कर देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे गच्छति, यह अनुस्वार संधि। जैसे नेक्स्ट है उपवनम चलति, उपवनम, उपवनम चलति, तो यहां पर मैं है और इधर व्यंजन है, तो इस मैं के स्थान पर क्या करेंगे, यहां पर अनुस्वार लगा देंगे, कैसे इस प्रकार से उपवनम चलति। दोस्तों ये मैं भी रखें और ये अनुस्वार भी लगाएं, दोनों नहीं, केवल ये तो संधि विच्छेद हुआ, ये संधि हुई उपवनम चलति, उपवनम चलति। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे हरिम वंदे, मैं के बाद में व्यंजन है वह, तो इस मैं के स्थान पर क्या करेंगे हम, हरिम ये अनुस्वार लगाएंगे और वंदे, हरिम वंदे, हरिम वंदे। नेक्स्ट है जैसे मृत्युम जय, इस प्रकार अब इसकी भी संधि करेंगे हम, तो इस मैं के स्थान पर अनुस्वार, क्योंकि आगे व्यंजन है तो क्या करेंगे, मृत्युम जय, इस प्रकार से संधि करेंगे। ये हुई मो अनुस्वार संधि, क्योंकि हलंत युक्त मैं के बाद में यदि कोई व्यंजन आता है तो इस मैं के स्थान पर हम ये अनुस्वार कर देते हैं। तो दोस्तों यदि हमें संधि विच्छेद करना हो तो जैसे विद्यालयम गच्छति, संधि विच्छेद करना हो तो भी हमें यही रूल याद करना है, क्योंकि मैं के स्थान पर अनुस्वार हुआ, और यदि अनुस्वार आ गया तो अनुस्वार के स्थान पर मैं कर देंगे, ये संधि विच्छेद हुआ। कैसे, जैसे अनुस्वार है तो लिखेंगे विद्यालयम, ये लो मैं लिख दिया और गच्छत, ये संधि विच्छेद हो गए, संधि
विच्छेद हो गए। नेक्स्ट दिस इज उद्यानम भ्रमति, उद्यानम भ्रमति। अब मैं है और इधर भय है तो इस मई के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा किस प्रकार से, उद्यानम और भ्रमति। संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाता है तो इस अनुस्वार के स्थान पर हम मैं कर देंगे। इस प्रकार से हम अनुस्वार संधि करते हैं। अब अनुस्वार संधि में एक दूसरा एक्सेप्शन और है, वो है कि यदि मैं के स्थान पर यदि स्वर आ जाता है तो हम क्या करें। जैसे अहम आगच्छामि, ये हो गया, तो हम क्या करें। अहम आगच्छामि ये हलंत युक्त मैं है और इसके बाद में स्वर आ गया आ, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको अनुस्वार संधि नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे संयोग, संयोग है, इसको बोलेंगे संयोग है। तो क्या करेंगे, इस मैं में देखिए मैं हलंत युक्त मैं है, इसमें आ यदि जोड़ते हैं तो मैं में आ जोड़ता है, तो इस आ की मात्रा जोड़ेंगे इस प्रकार से मां, आ की मात्रा जोड़ेंगे इस प्रकार। यदि हलंत युक्त मैं के बाद में, हलंत युक्त मैं के बाद में कोई भी स्वर आता है तो स्वर की मात्रा जोड़ी जाती है। तो लिखेंगे अहम मां गच्छामि इस प्रकार से। नेक्स्ट है जैसे त्वम इच्छसि, त्वम इच्छसि, मैं के बाद में छोटी की मात्रा है और ये मैं है, तो मैं में छोटी की मात्रा लगाएंगे किस प्रकार से, देखिए तय वह, ये मैं लिखा, इस मैं में छोटी की मात्रा लगाएंगे इस प्रकार से और त्वम इच्छसि। नेक्स्ट है यूयम इच्छत, ये मान लीजिए, तो इसमें भी मैं में छोटी की मात्रा लगाएंगे किस प्रकार से, यू ये मैं लिखा, इस मैं में छोटी की मात्रा लगाएंगे ऐसे और इस प्रकार से, इसको बोलेंगे हम संयोग, इसको बोलेंगे संयोग। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मौनोस्वार संधि की जाती है। मौनोस्वार संधि से पहले की हमने तुकागम संधि। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।